आखिर संविधान की बात करेगा कौन? तो विपक्ष संविधान की ही बात कर रही हूँ, और उसी संविधान का हवाला देते हुए जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस तरीके का उल्लेख कहीं भी नहीं है कि अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा है कि प्रधानमंत्री जी करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा है कि तो आपको दिक्कत इससे है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? देश के प्रथम नागरिक महामहिम है तो प्रधानमंत्री आखिर लोकसभा संसद की परिभाषा क्या है? संसद की परिभाषा राष्ट्रपति, राज्यसभा लोकसभा। प्रधानमंत्री का कहीं 79 अनुच्छेद में कोई जिक्र नहीं आता है। प्रधानमंत्री मात्र एक सदन जो निचला सदन है लोकसभा उसके नेता हैं, उच्च सदन राज्यसभा में भी वो नेता नहीं है। लोकसभा का भी प्रथम जो सदस्य है वो स्पीकर है। आपको नहीं लग रहा कि मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते कहीं आप देश का ही विरोध तो नहीं कर रहे, अपमान तो नहीं कर रहे इस देश को? एक नया, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, एक नई संसद भवन मिलने जा रही है और इस संसद के उद्घाटन की तैयारियां हो रही है, हर किसी को आमंत्रित किया गया है और ये प्रतीक है सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर जिसका उद्घाटन होना है 28 तारीख को, आप लोग उस चीज का विरोध कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि संविधान को यहां पर दरकिनार किया जा रहा, अनदेखा उसका किया जा रहा है, जिस चीज का आप हवाला दे रहे हैं, कोर्ट भी ये कह रहा है कि आप जिस चीज का हवाला देते हुए याचिका दाखिल कर रहे हैं ये कहीं से भी सुनवाई योग्य ही नहीं है, और साथ में ये भी कह दिया कि क्यों ना आप पे जुर्माना भी लगा दिया जाए इस चीज के लिए। ऐसा है कि आप प्रश्न करती हैं एक मिनट, जवाब देने के लिए समय देती हैं तो सर मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं क्यों करेंगे प्रधानमंत्री जी, मोदी उद्घाटन कर रहे हैं उससे दिक्कत है ये मान लीजिए, फिर अब जवाब देने दीजिएगा, बोलिए, जवाब सुन लीजिए। ऐसा है कि प्रधानमंत्री का विरोध नहीं है, ना ही मोदी जी का विरोध है, ना ही सरकार का विरोध है। विरोध सरकार की गलत और असंवैधानिक नीतियों का है, गलत क्रियाकलापों का है। कांग्रेस हमेशा संविधान सम्मत बातें करती है। आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्यों प्रधानमंत्री ही उद्घाटन करेंगे, क्यों राष्ट्रपति जी उद्घाटन नहीं कर सकती? इस बात का कोई जवाब नहीं देगा। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ बने हुए सर, उनसे जरूर मैं जवाब लूंगी। आप कह रहे ना क्यों प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे? नहीं नहीं सुन लीजिए, आपके सवाल बहुत लंबे हैं, आपके भी सवाल बहुत सारे हैं और आप कोर्ट के उस आदेश को भी मुझे लगता है मानने को तैयार नहीं है, कोर्ट की तरफ से भी जो कहा गया है आप उस पे तो जवाब दे नहीं रहे। आप बताइए ना, जिस तथ्यों को लेकर के आप सामने आ रहे, कोर्ट की तरफ से ये चीज कह दिया गया कि ऐसा अनिवार्य नहीं, अरे जिसकी सरकार है, जिसने बनवाया है और वो तो प्रधानमंत्री है देश के, वो उद्घाटन कर रहे हैं, उस चीज से आपत्ति क्यों? क्योंकि सिर्फ मोदी चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं, इसलिए क्या? आलोक अवस्थी जी, आप लोग संविधान को नहीं मानते हैं, उस चीज को दरकिनार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्घाटन करा रहे हैं संसद भवन का। इतना बड़ा दिन है लेकिन विपक्ष की 20 पार्टियां आपके साथ नहीं होंगी, तकरीबन 150 से अधिक सांसद जो है वो आपके साथ नहीं वहां पर मौजूद होंगे, और हालांकि 2-3 दिन से लगातार ये मुद्दे उठ रहे हैं, यहां तक कह दिया गया था कि ये बीजेपी का हेडक्वार्टर तैयार हुआ है। देखिए, क्योंकि जिन्हें विरोध करना है वो विरोध करेंगे ही, उनको हम कितना भी समझाना चाहें या समझना नहीं चाहते, जानबूझ के समझना नहीं चाहते, इसलिए समझदार मैं उनको नहीं कहूंगा। कारण क्या है कि उन्हें विरोध करना है, एक साल बाद चुनाव है, कोई भी अध्यादेश लाया गया हो, देश में कानून बनाया गया हो, देश का कोई बड़ा अचीवमेंट हुआ हो, लेकिन कांग्रेस और विरोधी दलों ने सिर्फ विरोध किया है, तो विरोध की राजनीति में आज वो लोकतंत्र के मंदिर को भी जो है दागदार बना रहे हैं या उचित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि 15 अगस्त को फिर प्रधानमंत्री जी लाल किले से झंडा फिर क्यों फहराते हैं, वहां राष्ट्रपति जी क्यों नहीं फहराते, क्या कभी किसी ने सोचा है क्यों नहीं करते हैं? तो यह वहां पर किसी ने मांग नहीं उठाई कि राष्ट्रपति जी अगर भारत के प्रमुख हैं तो प्रधानमंत्री झंडा क्यों फहराते हैं 15 अगस्त को, वहां पर राष्ट्रपति जी को भी होना चाहिए था। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, कारण यह है कि नेहरू गांधी डायनेस्टी जो है ना वो नहीं चाहती है कि इतिहास में किसी भी अन्य राजनीतिक का नाम दर्ज हो। कारण यह है कि जब आपने देखा होगा कि
कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब स्वर्गीय हुए नरसिम्हा राव जी, उनकी डेड बॉडी को भी जो है जबरन जो है पीएम की लोकप्रियता का यहाँ पर विरोध हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक स्थल पे इतने ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं और इस वजह से विपक्ष जो है 2024 को भी ध्यान में रखते हुए डरा हुआ है। और वही गोलबंदी लामबंदी हमें देखने को मिल भी रहा है कि बिहार से उठ करके नीतीश कुमार चले जाते हैं, महाराष्ट्र में मीटिंग होती है कभी। ठीक है सर, भी नहीं दिया है बात करने के लिए। ठीक है सर, कम से कम जब आप अवसर दे तो बात पूरी हो जाने। वापस आऊंगी सर, रिएक्शन जरूर लूंगी मैं, क्योंकि इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछा था कि संविधान को दरकिनार करके क्या आप ये कार्य कर रहे हैं। आपत्ति इसी से थी कि प्रधानमंत्री का आखिरकार ये विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं चाहते हैं कि वो उद्घाटन करें। आपने जवाब दिया। गौरव रघुवंशी भी हमारे साथ बने हुए। गौरव जी, आपकी पार्टी के मुखिया ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके आप इसको सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया। कह रहे हैं ये लोग जो जितने भी विरोध कर रहे हैं सब प्रधानमंत्री बनने की लालसा रखते हैं और उस रेस में अखिलेश यादव भी शामिल है। इसको सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव से कनेक्ट किया है आपने? जी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज एक ट्वीट किया जिसपे उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, जनहित वाले जितने भी मुद्दे रहे हैं वो हमेशा सरकार के साथ रही है। दूसरा, उन्होंने एक और बड़ा प्रश्न किया जो कि बहुत जायज प्रश्न है। आज जो भी लोग इसे राष्ट्रपति जी का अपमान बता रहे हैं, आदिवासी महिला का अपमान बता रहे हैं, उन्होंने उनका स्पष्ट कहना है कि जब इनका चुनाव हो रहा था क्यों नहीं इन लोग, अगर इतने ही अपमान आदिवासी महिला के अपमान का इन लोगों का ख्याल था तो क्यों नहीं इन्होंने इनको निर्विरोध निर्वाचित हो जाने दिया। और व्यस्तता के कारण बहन जी स्वयं उसमें उपस्थित नहीं हो पा रही कार्यक्रम में, लेकिन हमारी पार्टी वहां प्रतिनिधित्व मंडल भेजेगी। ठीक है, हमारे साथ संविधान के जानकार आनंद त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुक कर रही हूँ। दीपक रंजन को और वैभव त्रिपाठी को सर जरा समझाइए कि संविधान क्या कहता है, जिस क्लॉज का हवाला देते हुए बार बार ये जिक्र कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि ऐसा कोई अनिवार्यता कोई यहाँ पर ये क्लॉज नहीं दर्शाता है कि राष्ट्रपति ही उद्घाटन करेंगे। बार बार एक ही सवाल पे आ रहे हैं कि ऐसा भी नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री ही उद्घाटन करेंगे। जी देखिए, इस मामले में आर्टिकल 79 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी बातों को स्पष्ट किया और इस जो एक अपील थी उसको जो है उन्होंने सेट असाइड किया। तो मेरा ये बस ये कहना है कि देखिए, ये विवाद का प्रश्न ये नहीं है कि राष्ट्रपति जी करें या जो है प्रधानमंत्री जी करें। प्रधानमंत्री का पद भी एक संवैधानिक पद है और ऐसा भी उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति ही करें या राष्ट्रपति ना करें या प्रधानमंत्री करें या ना करें। तो ये देखिए, जिसकी सरकार होती नॉर्मली ऐसा होता है कि जिस पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है उसका जो प्रतिनिधि है वो अपने जो उसके अच्छे काम होते हैं उसको दर्शाने के लिए उसका वो प्रतिनिधित्व करता है और उसका उद्घाटन वो करता है ताकि वो अपने अच्छे जो उसके द्वारा किए गए कार्य हैं उसको वो दिखा जनता को दिखाता है और आगे उसी को बेस बना करके वोट मांगने जाता है। अभी आपको पता है कि आने वाले 2024 के इलेक्शंस हैं, तो ऐसे में इतना बड़ा देश के लिए वैसे भी एक बहुत गौरवशाली क्षण है जब ये एक नई संसद को जो है हम समर्पित कर रहे हैं राष्ट्र को। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि विरोध छोड़ करके अगर उसमें हम सारे लोग सहभागी हों तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो माहौल इस वक्त पूरे देश में हमें ओपोजिशन की तरफ से देखने को मिल रहा है उसमें लगता है कि विरोध छोड़ करके 28 तारीख को यहां पर एकजुट होंगे सभी। और सिर्फ विरोध इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूं क्योंकि इसको काउंटर करने के लिए कोई लॉजिकल चीज यहां पर नजर नहीं आ रही है मुझे। सिर्फ और सिर्फ विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि सामने चेहरा नरेंद्र मोदी है। देखिए, आज का जो समय है, इस समय में नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसको हम किसी तरह से कम नहीं कर सकते। पूरे न केवल भारत में बल्कि वैश्विक पटल पर अगर हम देखें तब भी नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो बहुत है और एक सशक्त शासक के रूप में या हम कहें राजनीतिज्ञ के रूप में माननीय मोदी जी की जो छवि है वो बहुत अच्छी है। और जब हम जैसे बात अगर कर रहे हैं हम लोग सेंगोल की, तो ये भी जो है आज से नहीं जब चोल शासन से ये जो है वो सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक रहा, जिसमें जो सेन और गोल दो अलग अलग शब्द थे जिसका एक का अर्थ धर्म से था और दूसरा था राजदंड से,
तो मतलब जब हम सत्ता का हस्तांतरण या कि जो शक्ति है उसका हस्तांतरण होता है उसका प्रतीक था ये, और अगर ये लगाया जा रहा है संसद में तो इस पे किसी तरह तो हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे गौरव जो मान जब स्वतंत्रता के समय जब ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नेहरू